सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? कैसी रही आपकी छुट्टियां बच्चों? खूब मज़े किए ना? और नहीं मज़े आए? क्यों? क्योंकि घर से बाहर जाने को नहीं मिला। बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। तो बच्चों, इसी के साथ बहुत हो गया मौज मस्ती, अब हम शुरू करते हैं कुछ पढ़ाई लिखाई। ठीक है बच्चों, आज हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? याद है कौन सा पार्ट पढ़ा था लास्ट टाइम? नहीं याद है? चलिए मैं बताती हूँ आपको। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8, बच्चों खुलते पंख हिंदी पाठ माला भाग 2 का पार्ट 8 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ चर्चा करेंगे और फिर हम आपको उसका शीर्षक बताएंगे और आगे पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए हिंदी पाठ पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8 पढ़ते हैं। अच्छा तो बच्चों, आप सबकी स्क्रीन में एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ये किस चीज़ की पिक्चर है? क्या आप बताएं कि किस चीज़ की पिक्चर है? क्या आप इस पिक्चर को पहचान रहे हैं, इस फोटो को पहचान रहे हैं? बिल्कुल सही, यह है एक जन्मदिन की पिक्चर। ठीक है, जन्मदिन। बच्चों, जन्मदिन सुनकर के आप लोग को कैसा लगता है? सुनते ही मज़ा आता है ना, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। चाहे आपका जन्मदिन हो, चाहे आपके फ्रेंड्स का बर्थडे है, यानी दोस्तों का जन्मदिन हो। दोस्तों का जन्मदिन है तो जाने को मिलता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है ना। तो इसलिए जन्मदिन में जाना हो या अपना जन्मदिन हो, दोनों में मज़ा आता है। लेकिन अपना जन्मदिन हो तब तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। सो बच्चों, क्या क्या करते हैं आप लोग अपने बर्थडे में या जन्मदिन पर? सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, उस दिन तो मम्मी को भी नहीं जगाना पड़ता, अपने आप नींद खुल जाती है, होती है ना। तो जन्मदिन के दिन आपके मम्मी पापा आपके लिए नई नई चीज़ें लाते हैं, जैसे कि कपड़े लाते हैं, कभी कभी जूते भी लाते हैं, बहुत सारे खिलौने लाते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ें बनाते हैं, आप केक काटते हैं, अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी बुलाते हैं, आपके बहुत क्लोज जो रिश्तेदार होते हैं वो लोग भी आते हैं, नाना नानी दादा दादी, ये सब लोग आते हैं। तो आपके लिए कुछ लाते भी हैं? लाते हैं? हाँ, ये सब आपके लिए कुछ ना कुछ उपहार लाते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी देते हैं। और यह दिन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इस दिन हम इस दुनिया में आए थे, इस सुंदर दुनिया को देखने का हमें मौका मिला। और हमारे माँ बाप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उनको हम मिले थे। ठीक है, हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, तो हम उनको मिले तो उनके लिए भी तो अच्छा दिन हुआ ना। इसीलिए जन्मदिन का हम सबके जीवन में खास ही महत्व और उत्साह होता है। बच्चों, आज हम जन्मदिन के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा अगला पाठ है, पार्ट 8, वैसे तो इसमें किसी का हम जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, जन्मदिन पहले से मन चुका है, लेकिन उस जन्मदिन से संबंधित ही बात करेंगे। इसलिए आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। तो चले पाठ में चलिए। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8, चलो खेलते हैं। अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको बताया ना जन्मदिन के बारे में, तो हम बच्चे तो जन्मदिन के लिए और भी उत्साहित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरे साल यही सोचते रहते हैं कब हमारा जन्मदिन आएगा, कब हम कैसे हम मनाएंगे, किसको बुलाएंगे, ये सब चीज़ें पूरे साल हमारे मन में चलती है या हमारे दिमाग में चलती रहती है। और फिर जब आता है तब फिर हम उसे बहुत ही खुशी से और हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। सो बच्चों,
जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो हमें उपहार भी मिलते हैं, मिलते हैं ना? क्या क्या मिलते हैं? अब ये सारी बातें जो भी हम आपसे अभी पूछेंगे वो आप कल मुझे ऑनलाइन क्लास में बताएंगे। जैसे कि आपके जन्मदिन पर आपको क्या क्या उपहार मिलते हैं वो बताएंगे आप, और क्या आप अपने उपहार को अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं? आप अपने दोस्तों को भी उपहार खेलने के लिए, देखने के लिए या छूने के लिए देते हैं? ये सारी बातें, और आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं, ये सारी बातें कल जब आप मुझे ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे तो बताएंगे। दोस्तों के साथ खेलकर उन्हें कैसा लगता है ये भी बताएंगे। तो बच्चों, जब भी हम जो भी जन्मदिन मनाता है उसके जन्मदिन में उसको हर तरह का उपहार मिलता है। किसी को कपड़े मिलते हैं, किसी को पढ़ने लिखने का सामान मिलता है, कहानी की किताबें मिलती हैं, खेलने कूदने का सामान मिलता है, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपको क्या मिलता है आपके बर्थडे में, या आपके पिछले बर्थडे में आपको क्या क्या मिला था आपको याद होगा वो बताएंगे, और क्या आप उसको अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहन के साथ बांट करके मिल करके खेलते हैं उससे, उसके साथ आप किसी को छूने देते हैं या नहीं, ये सारी बातें आप मुझे कल के ऑनलाइन क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम पाठ में चलते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन में पाठ दिखाई दे रहा है, ठीक है? ऊपर वाला जो भाग है हमारे पाठ का, आपके लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पे आप लिखेंगे आज की डेट। आज कौन सी डेट है बच्चों? आज है 01/07/20, 07 मीन्स जुलाई, एंड सेंटर में आप लिखेंगे CW क्लास वर्क, या फिर आप लिखेंगे कक्षा, आप लिखेंगे कक्षा आप लिखेंगे कक्षा कार्य, ठीक है बच्चों? तो रोज़ पाठ शुरू से पहले करने से पहले हम पहले दिनांक डेट लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे डेट 01/07/20, ठीक है? और उसके बाद बीच में आप कक्षा कार्य लिखेंगे, ठीक? फिर उसके बाद हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ का नाम है चलो खेलते हैं। अब इसमें खेलने को दिया है बच्चों, क्यों खेलने को दिया? अभी तो हम जन्मदिन की बात कर रहे थे, इसलिए क्योंकि जन्मदिन मनाने के बाद जो हमें उपहार मिलते हैं उसमें बहुत सारे खेलने कूदने का भी सामान मिलता है। तो इस पाठ में हमारा जो मुख्य पात्र है, जो मुख्य मेन कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं, वो है मीशा भालू। किसका जन्मदिन था और उसका जन्मदिन मन चुका है, हम इस पार्ट में उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे क्योंकि उसका जन्मदिन पहले से मन गया है। तो उसके जन्मदिन में उसको एक उपहार मिलता है, वह उपहार क्या है बच्चों? वह उपहार है गेंद और बल्ला, ठीक है? इस गेंद और बल्ले से वो खेलेगा और भी कई लोगों को वो बुला रहा है कि आओ मेरे साथ खेलें। तो चलिए चलते हैं, वो कौन से सारे दोस्त हैं जिनके साथ वो खेल रहा है और किसको किसको वो अपने साथ खिला रहा है। सो बच्चों, एक चीज़ और बच्चों, अभी तक आपने इससे पहले 7 और कहानियाँ या पाठ पढ़े हैं, उन पाठ में और इस पाठ में आपको कुछ भिन्न दिखाई दे रहा है, कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है? देखिए और बताइए, पिछले पाठों और इस पाठ में आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या दिखाई दे रहा है? इसमें
पाठ में वाक्य के बीच बीच में एक एक पिक्चर दिखाई दे रही है, एक एक दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो दृश्य दिखाई दे रहा है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे हमको एक भालू दिखाई दे रहा है। ये भालू जो है ये यहाँ पे भालू लिखा नहीं हुआ है, बल्कि क्या है, भालू का चित्र बना है। इसी तरह उसके आगे जाने पे कुछ गुब्बारे यहाँ पे बने हैं, लेकिन उसका चित्र है, लेकिन वहाँ पे गुब्बारे लिखा नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें चित्र को ध्यान से देखना है और फिर उसको पहचान करके जो उसका नाम है उसके नाम से वाक्य में मिला करके पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हर वाक्य में कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों के नाम के जगह पे उनके नाम के जगह पे चित्र दिया हुआ है। हम उन चित्रों को पहचानेंगे और उनके नाम से को उस वाक्य में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये बाकी पाठों से, यह पाठ बाकी पहले जो हमने पाठ पढ़ा है उससे इस तरह से भिन्न है। सो बच्चों चले पाठ शुरू करें। चलिए, जहाँ जहाँ मैं पढ़ूँगी वहाँ आप भी उंगली रखेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम पहली लाइन पढ़ेंगे, कल, क ल कल, कल कल मीशा, मीशा के बाद क्या चित्र है, किसकी चित्र बनी है बच्चों, भालू की। मीशा भालू का जन्मदिन था, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, कल मीशा भालू, भालू का चित्र बना है, भालू को हम पहचानेंगे और फिर बोलेंगे भालू का जन्मदिन था। बच्चों जन्मदिन का मतलब मैंने आपको बताया, वह दिन जिस दिन हम पैदा होते हैं। जन्मदिन का मतलब वह दिन जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं जन्मदिन। आगे फिर बच्चों, आगे फिर किसका चित्र है, भालू का, तो हम भालू को पढ़ेंगे, मीशा भालू की माँ ने घर को, ये क्या है, किस चीज़ का चित्र है बच्चों, यह है गुब्बारे का चित्र, तो इसको पढ़ेंगे गुब्बारे और ये झंडियाँ, झंडियों से सजाया था। बच्चों गुब्बारे तो हम सब जानते हैं, हम गुब्बारों से ही घर सजाते हैं जन्मदिन पर, और गुब्बारों को हम और भी बहुत जगह सजाने के उपयोग में लाते हैं। गुब्बारे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं क्योंकि ये बहुत सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं, इसीलिए हम जब भी किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो हम वो सारी चीज़ें जो से घर सजाते हैं दो बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो गुब्बारे भी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। उसके बाद ये दूसरा चित्र है झंडियों का, झंडियों का मतलब होता है, क्यों हम इसे झंडिया कहते हैं, क्योंकि मंदिर में का झंडा देखा है बच्चों, उसमें त्रिकोण शेप होता है और जो झंडा लगा होता है उसमें जो कपड़ा होता है वो त्रिकोण यानी ट्राइंगल, तीन, जिसकी तीन साइड्स होती हैं, ठीक है, उस शेप का होता है, इसलिए उसको त्रिकोण कहते हैं। इसी तरह से त्रिकोण शेप के कलर्ड पेपर, मतलब कि रंगीन कागज़ को काटकर एक लंबे से धागे में या रस्सी में लगाया होता है, उसी से हम उसको हम झंडियाँ कहते हैं, और उसको हम किस काम में उपयोग करते हैं, जन्मदिन में सजाने के, और हम इसे पूजा पंडालों में भी उपयोग करते हैं सजाने के, और हम शादी वादी में भी इनका उपयोग करते हैं। तो जहाँ पर भी सजावट का काम करना होता है हम इन झंडियों को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे माँ ने घर को गुब्बारों और झंडियों से सजाया था। उसके बाद बच्चों, माँ मीशा भालू के लिए गेंद, यहाँ किसके का चित्र है, गेंद का, इसलिए हम पढ़ेंगे गेंद, क्योंकि गेंद का चित्र पहले है तो हम गेंद ही पढ़ेंगे, बल्ला और गेंद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और बल्ला लाई थी। गेंद और बल्ला का मतलब क्या हुआ, आप देखकर पहचान होंगे, बॉल और बैट, तो माँ उस
के लिए क्या लाई थी? गेंद और बल्ला। और पिताजी ने उसके पिताजी ने उसे टी शर्ट, ये किसका चित्र है? टी शर्ट का। और जूते दिलाए थे। पिताजी ने उसको क्या दिलाए थे बच्चों? पिताजी ने उसे टी शर्ट और जूते दिलवाए थे। अब उसके बाद ये कौन है? मीशा भालू बहुत प्रसन्न था। मीशा भालू को जब इतनी सारी चीज़ें मिली तो वो क्या था? बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न मतलब बच्चों, यहाँ पे प्रसन्न का मतलब क्या है? खुश होना। तो वो बहुत खुश हुआ जब उसको इतनी सारी चीज़ें मिली। क्या क्या मिली? गेंद और बल्ला, टी शर्ट और जूते। जब उसको इतने सारे उपहार मिले, इतनी सारी चीज़ें मिली, तो वो बहुत खुश था। बच्चों एक बार फिर पढ़ें ये पैराग्राफ। अब कल मीशा का जन्मदिन था। जन्मदिन का मतलब वह दिन जिस दिन हम पैदा होते हैं। मीशा भालू की माँ ने घर को गुब्बारों और झंडियों से सजाया था। माँ भालू के लिए गेंद और बल्ला लाई थी। पिताजी ने उसे टी शर्ट और जूते दिलवाए थे। मीशा भालू बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न का मतलब खुश। तो ये सारी चीज़ें पाकर मीशा भालू बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न मतलब बच्चों खुश। जब हमें इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी तो हम भी बहुत खुश होंगे ना। तो इसी तरह जब मीशा भालू को ये सारी चीज़ें मिली तो वो बहुत खुश था। अब चलिए दूसरे पैराग्राफ में चले। भालू, कौन भालू? मीशा भालू शाम को टी शर्ट और जूते पहनकर हाथ में बॉल, और बॉल मतलब गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। तो जब शाम हुई, दूसरे दिन शाम हो गई, सुबह उठ के तो स्कूल चला गया होगा। उसके बाद जब वो स्कूल से आया होगा, थोड़ा आराम करने के बाद शाम हो गई होगी, और शाम को उसने क्या किया? नया जो उसके पिताजी लाए थे, कौन लाया था? पिताजी क्या लाए थे बच्चों? टी शर्ट और जूते लाए थे। और माँ क्या लाई थी? गेंद और बल्ला लाई थी। तो वो शाम हो गई तो उसने क्या किया? मीशा ने क्या किया? मीशा नया टी शर्ट पहना, जूते पहने, और हाथ में क्या लिया? गेंद और बल्ला लिया, लेकर खेलने निकला। ठीक है बच्चों, मीशा भालू शाम को टी शर्ट और जूते पहनकर हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। चलो देखें आगे वो क्या करता है। सामने से काला, ये क्या है बच्चों? किस चीज़ की पिक्चर है? ये पिक्चर किस चीज़ की है? ये है चश्मा। सामने से काला चश्मा लगाए, ये क्या है? किसकी पिक्चर है? बंदर आ रहा था। कौन आ रहा था? सामने से काला चश्मा लगाए कौन आ रहा था? बंदर आ रहा था। हाथ में ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों? ये है छड़ी। छड़ी क्या होती है बच्चों? छड़ी डंडी की तरह होती है, जिसे बूढ़े लोग या फिर कोई भी ऐसा आदमी जिसे किसी भी तरह की चलने में परेशानी हो, सहारा लेने के लिए छड़ी लेकर के चलता है। चाहे उस किसी के पैर में चोट लगा हो या
किसी और कारण से वो चल नहीं पा रहा हो या फिर बूढ़ा होने के वजह से ना चल पा रहा हो, तो वो एक डंडी का सहारा लेता है। इस डंडी को हम कहते हैं छड़ी। ठीक है, छड़ी लिए, सामने से छड़ी लिए, लोमड़ी भी उसके साथ थी। लोमड़ी किसके साथ थी? बंदर के साथ। सो सामने से काला चश्मा पहने कौन आ रहा था? बंदर आ रहा था। और बंदर के साथ कौन आ रहा था? लोमड़ी आ रही थी। लोमड़ी के हाथ में क्या था बच्चों? लोमड़ी के हाथ में छड़ी थी। सो लोमड़ी के हाथ में छड़ी लिए, लोमड़ी भी उसके साथ थी। अब आगे देखते हैं। लोमड़ी बोली, क्यों मित्र कहाँ चले? ठीक है, जब लोमड़ी ने देखा भालू को तो उसने पूछा, क्यों मित्र कहाँ चले? ठीक है, तब अब भालू क्या बोलता है? चलिए पहले इसको जो हमने पढ़ा उसको एक बार फिर दोहराते हैं, फिर अगले पैराग्राफ में देखते हैं भालू क्या बोलता है। भालू को शाम को टी शर्ट और जूते पहनकर, हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। ठीक है, उसके बाद सामने से काला चश्मा लगाए बंदर आ रहा था। कौन आ रहा था सामने से? बंदर। बंदर ने क्या लगाया था? काला चश्मा। हाथ में छड़ी लिए, लोमड़ी भी उसके साथ थी। बंदर के साथ कौन था? लोमड़ी थी। और उसके हाथ में क्या था? छड़ी थी। लोमड़ी बोली, क्यों मित्र कहाँ चले? किससे बोली लोमड़ी? लोमड़ी भालू से, भालू को देखकर लोमड़ी बोली, क्यों मित्र? मित्र का मतलब क्या होता है बच्चों? मित्र का मतलब दोस्त। ठीक है, लोमड़ी बोली, क्यों मित्र कहाँ चले? ठीक है, अब चलिए देखते हैं भालू क्या बोलता है। अगले पैराग्राफ में आते हैं और देखते हैं भालू क्या कहता है। चलिए, मीशा भालू बोला, यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला। तो बच्चों, उसने अपना नया गेंद और बल्ला दिखाते हुए लोमड़ी से बोला, यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला, चलो खेलते हैं। और उसने उससे क्या आग्रह किया? उसने उसको खेलने के लिए आमंत्रित किया और बोला, चलो खेलते हैं। अब हाँ हाँ चलो, तो लोमड़ी ने क्या बोला? लोमड़ी ने भी बोला हाँ हाँ चलो, और बंदर भी साथ में हो लिया। कितने लोग हो गए बच्चों? भालू तो पहले से ही था, उसके बाद कौन आया? बंदर आया, और उसके बाद लोमड़ी आया। तो कुल मिला के कितने लोग हो गए? तीन लोग। अब तीनों चल दिए। तीन लोग कौन कौन? भालू, बंदर और लोमड़ी, तीनों चल दिए। रास्ते में उन्हें कौन मिला? ये किसका चित्र है बच्चों? ये है खरगोश का चित्र। और कौन मिला? यह है हिरन का चित्र। कौन कौन उनको रास्ते में मिला बच्चों? रास्ते में उन्हें खरगोश मिला और हिरन मिला। अब रास्ते में उन्हें खरगोश और हिरन मिल गए। रास्ते में उन्हें खरगोश और हिरन मिल गए। वे भी उनके साथ खेलने चल दिए। अब जब वो आगे बढ़े, वो तीनों कौन कौन? भालू, बंदर और लोमड़ी, तीनों आगे च,
चले तो उनको रास्ते में कौन कौन मिला? खरगोश मिला और हिरन मिला। वह भी उनके साथ खेलने चल दिए। वह भी उनके साथ खेलने चल दिए। चलिए फिर एक बार हम पढ़ते हैं इसी पैराग्राफ को। मीशा भालू बोला, यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला। किससे बोला? हिरण से बोला। जब हिरण ने पूछा क्यों मित्र कहाँ चले, तो मीशा भालू ने अपना गेंद और बल्ला दिखाते हुए बोला, यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला, और बोला चलो खेलते हैं। उसने हिरण और बंदर से भी कहा चलो खेलते हैं। हाँ हाँ चलो, किसने कहा हाँ हाँ चलो? हिरण ने कहा हाँ हाँ चलो। अब तीन लोग हो गए। कौन कौन तीन थे? भालू, बंदर और हिरण, भालू, बंदर और लोमड़ी। अब तीनों चल दिए। जब ये तीनों आगे बढ़े तो इनको कौन मिला? रास्ते में उन्हें खरगोश मिला और हिरन मिला। ये मिल गए और वे भी उनके साथ खेलने चल दिए, और उनके साथ ये दोनों भी खेलने चल दिए। अब बच्चों कितने जानवर हो गए? पांच जानवर हो गए। कौन कौन? मीशा भालू, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और हिरन। तो अब कितने जानवर हो गए? पांच जानवर हो गए। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। अगले पैराग्राफ में है, सब मैदान में पहुँचे। कौन कौन मैदान में पहुँचे? सब में कौन कौन हो गया बच्चों? सब में भालू, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और हिरन। कुल मिलाकर कितने एनिमल्स हो गए बच्चों? पांच एनिमल्स हो गए। तो सब ये सारे पांचों जानवर मैदान में पहुँचे। सब मैदान में पहुँचे। सब मैदान में पहुँचे। तभी ये क्या है बच्चों? किसके चित्र, किसका चित्र है? हाथी का। और ये है शेर का चित्र। तभी हाथी और शेर भी वहाँ आ गए। कहाँ आ गए? अभी वो कहाँ पहुँच गए हैं? मैदान में आ गए। तो इनके मैदान में पहुँचने के बाद वहाँ पे हाथी और शेर भी आ गए। अब हाथी बोला, कौन बोला? हाथी बोला, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। हाथी ने क्या बोला? मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। तो उसने कहा तुम लोग खेलो और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सो बच्चों, पाठ को एक बार फिर दोहराते हैं, ठीक है? कल मीशा भालू का जन्मदिन था। भालू की माँ ने घर को गुब्बारों और झंडियों से सजाया था। माँ भालू के लिए गेंद और बल्ला लाई थी। पिताजी ने उसे टी शर्ट और जूते दिलवाए थे। भालू बहुत प्रसन्न था। सो बच्चों, जन्मदिन का मतलब क्या होता है? जन्मदिन का मतलब वह दिन जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं, ठीक है? उसके बाद प्रसन्न का मतलब होता है खुश। अब किसका जन्मदिन था बच्चों? मीशा भालू का। घर को किसने सजाया था बच्चों? घर को किसने सजाया था?
माँ ने सजाया था। किससे सजाया था? गुब्बारे और झंडियों से। माँ ने घर को गुब्बारे और झंडियों से सजाया था। माँ मीशा के लिए क्या लाई थी? माँ मीशा के लिए गेंद और बल्ला लाई थी। पिताजी मीशा के लिए क्या लाए थे? पिताजी मीशा के लिए टी शर्ट और जूते लाए थे। इसलिए कौन प्रसन्न था? मीशा प्रसन्न थी। मीशा बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसको इतनी सारी चीज़ें मिली थी। कब मिला था? उसके जन्मदिन पर मिला था, इसीलिए मीशा बहुत प्रसन्न या खुश थी। अगला पैराग्राफ। मीशा भालू शाम को टी शर्ट और जूते पहनकर हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। सामने काला चश्मा लगाए बंदर आ रहा था। हाथ में डंडी या छड़ी कह सकते हैं हम उसको, छड़ी लिए लोमड़ी भी उसके साथ थी। लोमड़ी बोली, क्यों मित्र, कहाँ चले? ठीक है, जब मीशा भालू शाम को टी शर्ट और जूते पहनकर हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला तो रास्ते में उसे कौन मिला? रास्ते में उसे बंदर मिला। बंदर ने क्या पहना था बच्चों? बंदर ने काला चश्मा पहना था और उसके साथ कौन था? उसके साथ थी लोमड़ी। लोमड़ी के हाथ में क्या था बच्चों? लोमड़ी के हाथ में एक छड़ी थी। लोमड़ी बोली, क्यों मित्र, कहाँ चले? लोमड़ी किससे बोली क्यों मित्र कहाँ चले? लोमड़ी ने जब भालू को देखा कि वो हाथ में गेंद और बल्ला लिए जा रहा था तो लोमड़ी ने पूछा, क्यों मित्र कहाँ चले? ठीक है ना, नेक्स्ट पैराग्राफ। मीशा भालू बोला, यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला, चलो खेलने चले। चलो खेलने खेलते हैं? हाँ हाँ चलो। तीनों चल दिए। रास्ते में उन्हें कौन मिला बच्चों? खरगोश और हिरन मिल गए। वे भी उनके साथ खेलने चल दिए। तो बच्चों, जब मीशा भालू आगे बढ़ा तो उसको कौन कौन मिले? खरगोश और हिरन। और अब कितने लोग हो गए? पहले से तीन लोग थे, मीशा भालू, बंदर और लोमड़ी। दो लोग और मिल गए। कौन कौन वो लोग हैं? खरगोश और हिरन। तो कुल मिला के कितने लोग हो गए? पांच। पहले थे तीन, अब हो गए पांच। अब अगला पैराग्राफ। सब मैदान में पहुंचे, तभी कौन मिला उनको? हाथी और शेर मिला। तभी हाथी और शेर भी वहां आ गए। मतलब जब ये मैदान में पहुंच गए तब वहां पे हाथी और शेर भी आ गए। और हाथी बोला, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मतलब जब ये लोग खेलेंगे तो हाथी इनकी सहायता करेगा। तो बच्चों, ये था पाठ। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पाठ को
आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।